पुणे में लगातार बारिश के बाद खडकवासला बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, एकता नगर में सेना तैनात। उत्तराखंड के केदारनाथ में अभी फंसे हुए हैं 1000 तीर्थयात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के झंडे वालान इलाके में रानी झांसी रोड पर टक्कर के बाद दो वाहनों में लगी आग। बीजेपी के पिछले नेताओं का पैनल आज अयोध्या, रेप पीड़ितों के परिवार से करेगा मुलाकात। बादल फटने से श्रीनगर कारगिल मार्ग अवरुद्ध, लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में करने जा रही बड़े बदलाव, कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी। इंग्लैंड में 3 लड़कियों की हत्या के बाद कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों में एक साथ दागे दर्जनों रॉकेट। मुंबई के 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को दिल्ली से मनमाड लाया गया। दिल्ली के कराला इलाके में वेस्ट मटेरियल के गोदाम में लगी भीषण आग, कई दमकल मौके पर मौजूद। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होगी। रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने पहली बार अंगों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। छात्र नेताओं की बातचीत से इनकार के बाद बांग्लादेश के पीएम ने यूनिवर्सिटी के प्रमुखों की आपात बैठक बुलाई। ईडी ने हैदराबाद में हीरा गोल्ड घोटाले की आरोपी नुहेरा शेख की संपत्ति पर की छापेमारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे उद्घाटन। पटना में सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, अलकायदा के नाम से आया ईमेल।